हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने इसे पिछली वीडियो में देखा, हमने किस तरह से आपको बताया था कि आप अपने डीके को स्ट्रिक कर सकते हैं और किस तरह बहुत ही इजी और यूनिक सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग से हैक जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हैक से। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट हैक है, आप अगर कहीं शादी पार्टीज में जा रहे हैं कहीं और अचानक से आपका चोकर है या नेकलेस है वो टूट गया है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप क्या पहने, तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक देख सकते हैं आप, जैसे शूज में लेस डालते हैं उसी टाइप का है कुछ। आप इसकी जगह कोई पुरानी ब्लैक कलर की लेगिंग है या रेड डार्क कलर की है या आपके पास कोई टी शर्ट है उसको पतला काट सकते हैं इस तरह। मेरे पास स्टोरी थी तो मैंने उसको यूज़ किया है। देखिए काफ़ी लंबा है, इतना लंबा तो होना ही चाहिए अगर आपको ये हैक करना है। तो इस तरह मैंने ये लिया है, इसके कॉर्नर को आप देख सकते हैं, इतना उसको छोड़ना है। अगर आपके जो आपके पास फैब्रिक है या फिर आपके पास जो डोरी है उसके लिए, अब हम एक ईयरिंग्स को लेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह हमने इसको लिया है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसके बीच सेंटर में टक करना है, और टक करने के बाद जो इसका ये निकला होता है पिन टाइप उसको नीचे की साइड हम मोड़ देंगे ताकि ये लगे ना। देखिए सेकेंड हैक की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट वाला हैक है वो अच्छा लगा होगा। तो सेकेंड हैक क्या है हमारा, हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप कहीं शादी पार्टीज वगैरह में जाते हैं और आपके पास लगाने के लिए कोई टीका नहीं होता और आपको टीके वाली हेयर स्टाइल करनी होती है, तो उसके लिए आप बहुत सोचते हैं कि हम किस तरह का टीका यूज़ करें, कहाँ से करें। उस टाइम आपके पास होता नहीं है और होता है तो बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन का होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा हैक है, आपके पास अगर कोई चांद वाली वाले पुराने ईयरिंग्स पड़े हों तो आप उसका रीयूज़ करके उसको बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश सा मांग टीका बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरह बनाना है और किस तरह वेयर करना। मैंने यहाँ अपने एक ईयरिंग को लिया है, आप देख सकते हैं इसका दूसरा वाला है, उसका ऊपर वाला पार्ट है वो खो चुका है, इसलिए मैंने इसको लिया है। मैं एक डोरी लूँगी जो गोल्डन डोरी होती है, मोस्टली हम उसको लहंगे में या फिर ब्लाउज़ की डोरी में यूज़ करते हैं, और जो उसका बीच वाला पार्ट है जो एकदम खाली है उसमें मैं इसको डालूँगी। देखिए आप चाहें तो ब्लैक मोटा थ्रेड होता है उसको भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद अपनी मांग के अकॉर्डिंग उसको कट कर सकते हैं और उसको पिन कर सकते हैं। तो आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड हैक तो देखा, अब हम अपने थर्ड हैक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपके पास इस टाइप की बहुत ओल्ड टाइप की ज्वेलरी पड़ी होगी, झुमके वाली देख सकते हैं आप। मानिए इसका ये ऊपर वाला जो पार्टीशन है वो खो गया है, तो आप इसका जो झुमकी वाला पार्ट है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं अपने थर्ड हैक में। ये है हमारा थर्ड हैक। मेरी झुमकी थी चूँकि ख़राब हो गए थे तो मैंने उसको लिया और झुमकी में जो ऊपर छेद होता है उसमें एक वायर को फंसाया और बैंगल के साथ इसको अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद जो इसका वायर होता है उसको अच्छे से नीचे की तरफ दबा दिया। आप चाहें तो इसको धागे के साथ भी अटैच कर सकते हैं और पूरे बैंगल्स पे धागा बांध सकते हैं। आई होप कि आपको हमारे इससे पहले वाले हैक ज़रूर अच्छे लगे होंगे, और ये वाला जो हैक है वो तो बहुत ही काम का है जो कि सभी गर्ल्स और लेडीज़ के काम आने वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा आपको कोई बैंगल्स
आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपको अच्छा लगता है उसमें छोटा साइज़ होता है, लेकिन आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसको परचेज़ कर लेते हैं, और उसको पहनने में आपको बहुत ही मशक्क़त झेलनी पड़ती है। आप क्या करते हैं, कभी कभी कांच वाली जो बैंगल्स होती है स्पार्कल वाली, आप उसको पहनने के लिए साबुन का यूज़ करते हैं, अपने हाथ पे लगाते हैं, धुलते हैं, उसके साथ उसको पहनते हैं। लेकिन नहीं, अब आप ऐसा करना छोड़ सकते हैं अगर आप इस हैक को देखते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना है। अब हमारा नेक्स्ट हैक है नंबर 5। ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही यूनिक होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इयररिंग्स पहने हैं, ये मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ, मैंने पहन पहन के काफ़ी बोर हो चुकी हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं कुछ अलग ट्राई करूँ, तो डेफ़िनेटली मैं वो कर सकती हूँ। और इसके साथ नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत सारे इयररिंग्स के साथ ये ऐसा हैक कर सकती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको करना क्या है। मेरे जो पुराने इयररिंग्स थे, मैंने उसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको निकाल दिया। देखिए, आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं और बाद में आप इस ऊपर वाले पार्ट को इंसर्ट भी कर सकते हैं। और जो दूसरे मेरे इयररिंग्स थे, ये सिल्वर में ही, मैंने उसको इसमें अंदर इंसर्ट कर दिया। आप देखिए, ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा है और बहुत ही कूल लग रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट हैक है कि आप अपने नेकलेस को माथा पट्टी के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने ये नेकलेस पहन रखा है, ये कुछ इस तरह का था, मतलब पूरा इस तरह का था। मैंने पूरा इसको निकाल दिया है क्योंकि बहुत ही ये हैवी था और मुझे इसको फिर से रीयूज़ करना था नए तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप अपने नेकलेस को कैसे माथा पट्टी की तरह यूज़ कर सकते। सो फ्रेंड्स, इस हैक को यूज़ करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक रिंग टाइप वायर की, क्लिप्स की। तो देखिए शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है। जो हमारा नेकलेस है उसके बीच वाले सेंटर वाले पार्ट में हम इस गोल्ड रिंग को इंसर्ट करेंगे। देखिए इंसर्ट हो चुकी है ये। इसके बाद हमें एक गोल्डन डोरी लेनी है या सिल्वर, आप चाहें तो ब्लैक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी ज्वेलरी से मैच करता हो और बालों में हाइड हो सके। आप इसको हम अपने गर्दन के नीचे वाले पार्ट में थोड़ा लूज छोड़कर अपने हेड पर इस तरह फिक्स करेंगे और टिक टैक पिन जो होती हैं उसको लगा देंगे। देखिए आप हमें कैसे लगाना है। अब दूसरी साइड भी हम इसको टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए, और जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है उसमें जो हमने डोरी को अटैच किया था उसको भी हम क्लिप के साथ यहाँ टक कर देंगे। ऊपर की साइड आपको अच्छे से टक करना है। आप साइड से पिक में देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह अपने किसी भी पुराने सेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग लुक कर रहा है, देखिए स्कूल। आई होप कि आपको हमारे ये सारे हैक अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इन्हें एक बार ट्राई करें, और ट्राई करके आपको कैसा लगता है ये हैक्स को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के हम हैक आपके लिए लाते रहें, नई नई तरह की ट्रिक्स लाते रहें, तो प्लीज़ उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हैक या फिर एक यूनिक सी ट्रिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड सी यू।